गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ के लिए एक्सरसाइज 2.3 लेकर आए हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल चैप्टर, पेज नंबर 39। और इस पे हमारा है ट्राई दीज, इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं हमें। इसको ध्यान से देखना है, 1/2 × 1/7 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट वाले कॉलम में 1 × 1, यानी ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 2 × 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 × 1 1, और 2 × 7 = 14। इसी तरह नेक्स्ट वाले कॉलम में भी हम पहले इस तरह लिखेंगे और फिर इस तरह लिखेंगे, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 1 × 1 और 5 × 7 लिखेंगे, और बाद में 1/5 = 35 लिखेंगे। ऐसे ही थर्ड वाले में करेंगे, तो हम पहले लिखेंगे 1 × 1 और यहाँ पर 7 × 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 1/14। इसी तरह यहाँ पर 1 × 1 और 7 × 5 लिखेंगे पहले में, और दूसरे में आएगा 1/35। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 ऑफ, यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों के साथ 1/4 ऑफ करना है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं, 1/4 ऑफ, पहला हमारा था 1/4 लिया, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे सेकंड वाली लाइन में, और ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/16 हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड वाला पार्ट है 1/4 ऑफ 3/5, देखो 1/4 ऑफ 3/5 है, ठीक है ना, तो ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये 4 की जगह 4 गलत लिखा हुआ, यहाँ 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा 4 × 5 = 20, यहाँ 1 × 3 = 3 और 4 × 5 = 20, ये 20 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस तरह सी पार्ट करते हैं इसका, 1/4 ऑफ 4/3, ठीक है, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, 1 × 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ये गलत लिखा हुआ यहाँ पर, नहीं गलत नहीं है, यहाँ पर 1 × 4 है और 4 × 3 है, 4 से 4 कट गया हमारा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/3 बचेगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट का 1/7 ऑफ 2/9 है, तो ऑफ की जगह हमने पहले मल्टीप्लाई किया, अब देखो कोई कट तो नहीं रहा है इसमें, ठीक है ना, कट नहीं रहा है, तो 1 × 2 और 7 × 9 = 63, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है इसका 1/7 ऑफ, दूसरा था हमारा 6/5, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पर 6/5 आना चाहिए, तो 1/7 ऑफ 6/5 आया। अब यहाँ पर देखो कटा कोई भी नहीं, 1/6 = 6 और 7/5 = 35, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारा सी पार्ट है इसका 1/7 ऑफ 2/9 है, यहाँ पर 3/10 है वैसे, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो 1/7 × 3/10, ठीक है, तो 1/3 = 3 और 7/10 = 70, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई भी करना है और रिड्यूस भी करना है लोवेस्ट टर्म में, अगर पॉसिबल हो तो, यानी कि ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करनी है, और ऊपर नीचे कोई कटेगा तो उसको काट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम, तो इसमें तो हमें सीधा का सीधा दे रखा है मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन है, तो 3 × 2 = 6 + 2 = 8/3। अब देखो कोई कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर 2 × 8 = 16 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया। अब 9 को 16 से डिवाइड करेंगे, 9 × 1 = 9, 7 रिमाइंडर बचा, और 9 से हमने डिवाइड किया था, तो ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन में हमें चेंज कर देंगे। इसका सेकंड पार्ट देखो 2/7 ऑफ 7/9 है, इसमें देखो 7 से 7 कट जाएगा हमारा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 3/8 और 6/4 है, अब देखो ये 8 और 6 ये आपस में कट सकते हैं, 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8, ठीक है ना, 2 × 3 = 6 2 × 4 = 8, तो 3 × 2 = 6 हमारा आंसर आएगा, और 4 × 4 = 16 हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर देखो इसे 3 × 6 करा, 8 × 4 करा, यहाँ पर हमारा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 करके काट दिया इसने, 3 × 3 = 9 और 8 × 2 = 16 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 9/5 × 3/5 है, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करी, 9 × 3 = 27, 5 × 5 = 25, और इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया हमने, 1/2/25 आ जाएगा।
फिफ्थ क्वेश्चन है 1/3 इंटू 15/8 है, अब देखो 3 5 15 कट जाएगा, ठीक है। तो वैसे पहले इसने ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, तो 3 5 15 काट दिया इसने, तो 5 1 5 और 8 1 8 हमारा आंसर आ गया। सिक्स वाला 11 by 2 इंटू 3/10, इसमें हमारा कोई भी नहीं कटेगा, 11 3 33, 2 10 20, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमने रख दिया। और इसका सेवन पार्ट है 4/5 और 12/7 है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है, तो यहाँ 12 4 48, 7 5 35, और इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन में हमें देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस प्रोडक्ट टू द लोवेस्ट फॉर्म, जैसे हमने पहले किया था। टेल वेदर द फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर ज़्यादा होता है। इफ द फ्रैक्शन ऑब्टेंड इज इम्प्रॉपर कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये हम पहले भी कर रहे थे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट में 2/5 × 5 1/4 है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, 5 4 20 और 21/4 हो गया, ठीक है ना, 2 2 4 कट जाएगा देखो यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, और अगर कोई कट रहा है तो काट दो। तो यहाँ पर हमारा 2 2 4 कट गया, तो 1/2 यहाँ पर आ गया, 21 1 21, 5 2 10, तो ये देखो ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कराएं, तो 2 1/10 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, ये भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले चेंज करेंगे, 5 6 30 + 2 32/5, ये 7/9 है, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके रख दिया, ठीक है। और फिर इसको 45 से डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया हमने। नेक्स्ट पार्ट इसका 3/2 × 5 1/3 है, 5 3 15 + 1 16/3 हो गया, 3 से 3 कट गया, ऊपर 16/2 हमारा आंसर है, लेकिन 2 8 16 होता है, यानी 8 आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट 5/6 है, ये इंटू 2 3/7 है, तो 7 2 14 15 16 17/7, ठीक है। अब इसमें कोई भी ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, तो इसको ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, 85/42 आया, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमने चेंज करा, 2 1/42 हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमने फिफ्थ पार्ट इसका, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 17/7 आया इसका, 4/7 आया, यहाँ पर भी कोई कटेगा नहीं, तो 17 4 68, 7 7 49, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, और फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा सिक्स्थ पार्ट है इसका, 2 3/5 × 3, तो इसको पहले 5 2 10, 11 12 13, 13/5 × 3/1, यहाँ पर भी कोई कट नहीं रहा है, तो 13 3 39, 5 1 5, उसको फिर हमने डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 7 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट 3 4/7 × 3/5 है, तो 7 3 21 + 4 25/7 × 3/5, 5 5 25 कट जाएगा हमारा, तो 5 3 15 और नीचे 7, इसको हमने करा, 2 1/7 हमारा आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है दो चीज़ें, दो टर्म्स दे रखी हैं हमें और लगा के, 2/7 ऑफ 3/4 ये बड़ा है, या 3/5 ऑफ 5/8 बड़ा है, और इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। तो हम पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो देखो सबसे पहले हमें इसको ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, और बीच में ऐसे ही लिखा। अब देखो यहाँ पर कोई कट रहा है, 2 2 4 कट रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर 5 से 5 कट रहा है, तो हमारा जो ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3/14, क्योंकि 2 2 4 आ गया, 3/14 आएगा, और यहाँ से हमारा 3/8 आ गया, ठीक है। अब हमने इसका न्यूमरेटर बराबर है, अगर न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा है वो छोटा होगा, और जो छोटा है वो बड़ा होगा। अब देखो डिनोमिनेटर में तो ये छोटा है, तो यानी कि ये बड़ा है हमारा,
ठीक है ना, तो हमारा कौन सी इसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन कौन सी थी, ये वाली, तो यानी कि ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी है, ठीक है ना, 3/5 ऑफ 5/8 हमारी बड़ी है। इसी तरह हमने सेकेंड वाली फ्रैक्शन को करना है, तो ऑफ की जगह सबसे पहले मल्टीप्लाई लगाना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, यहाँ पर देखो 2 3 6 कट रहा है, यहाँ से 3 से 3 कट रहा है, तो यहाँ 1/1 यहाँ पर 1/ यहाँ पर आ रहा है 3/7 और यहाँ पर 2/7 आएगा, और यहाँ पर 3/7 यहाँ 2/7 आएगा। अब 3/ यहाँ तो डिनोमिनेटर में देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा होगा, यानी कि ये वाला टर्म बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी है। तो दोनों में देख लो, अगर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा होता है, और अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा है वो छोटा होता है, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो इन हर गार्डन। सैली ने 4 सैपलिंग लगाए अपने गार्डन में, 4 रो में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। दो बराबर वाली सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर है, तो बताओ फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो 3/4 मीटर है, उसने 4 सैपलिंग लगाई हैं एक रो में, 1 2 3 4 सैपलिंग लगाई है, और उसके बीच में गैप कितना रखा है, 3/4 गैप रखा, और 3 रो उसने बनाई हैं, ठीक है, तो इसलिए जो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग में कितना आएगा, 3 × 3/4, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहाँ पर आएगा 9/4 मीटर, और हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 2 1/4 मीटर। तो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 2 1/4 मीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये डायग्राम बना लेना, देखो 1 2 3 4 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 का डिफरेंस है, 1 2 3 का, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। अब देखो लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका एक बुक को इतने घंटे में पढ़ती है हर दिन, शी रीड्स एंटायर बुक इन 6 डेज, और इस तरह वो जो है इतने घंटे पढ़ रही है और 6 दिन में उसने पूरी बुक ख़त्म कर दी, तो उसने हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, कितने घंटे लगे उसको बुक पढ़ने में। तो देखो लिपिका जो बुक है वो 1 3/4 आवर में पढ़ती है, और उसने पूरी बुक 6 दिनों में पढ़ी है, तो यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने घंटे आ जाएंगे हमारे, एक दिन में इतने घंटे में पढ़ रही है और 6 दिन में कितने घंटे में पढ़ेगी, ठीक है ना। तो 1 3/4 × 6, तो 4 1 4 5 6 7/4 × 6, इसको 2 2 4 2 3 6 होता है, तो 7 3 21/2 आ जाएगा, यहाँ पर उसको डिवाइड करेंगे 10 1/2 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यानी उसको लगभग 10 घंटे लगे पूरी किताब पढ़ने में, हालांकि देखो 10.5 घंटे लगे हैं उसको, लेकिन लगभग 10 घंटे लगे उसको पूरी किताब को पढ़ने में, ठीक है। एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है कोई गाड़ी, तो बताओ हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 3/4 लीटर। तो 1 लीटर में इतने किलोमीटर चल रही है, इतने लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी, मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है ना। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रही है, इतने लीटर में कितना, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, और 16 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 44 किलोमीटर वो चल जाएगी कार, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसमें देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। अब देखो 2/3 है और यहाँ 10/30 है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2 कितने बार 10 आएगा, 2 5 10 होता है, और 3 10 30 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ 5/10 आएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड वाले में इसका द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन ब्रैकेट इज, तो 5/10 था, इसको हम काट के 1/2 कर सकते हैं ना, 5 2 10 1/2 कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड वाले ब्रैकेट में 3/5 × 3/8 = 24 होता है, और 5 15 = 75 होता है, तो यहाँ पर 8/15 आया, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कोई नहीं होगी, ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि ये किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। इस तरह हमारी पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। थैंक यू।